हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज का जो ये वीडियो है एचपी लेजर जेट प्रिंटर की बारे में, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। और इसका मॉडल है MP M120 एचपी लेजर जेट। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर है और बहुत ही अच्छा है प्रिंटर। तो इसका जो मेन रीज़न है, देखिए दोस्तों, मैंने प्रिंटर को ऑन किया बट डिस्प्ले में कुछ आया नहीं, ठीक है ना। और प्रिंटर चालू है, देखिए अभी मैंने ऑफ किया, और ऑफ करने के बाद अभी प्रिंटर को हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसका रीज़न क्या है कि वैसा आ रहा है। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहो, वीडियो को अगर पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा असल में इसका प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये दोनों पैनल को हम खोलेंगे, इसको खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये प्रिंटर पहले कभी खुला नहीं है, इसीलिए बहुत ही टाइट है। फिर जो भी हो आपको ध्यान से खोलना होगा, नहीं तो इसका जो लॉक है वो टूट सकता है। तब इस साइड को हम स्क्रू को खोलेंगे, स्क्रू को खोल के इधर स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे करके लॉक को हटाएंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल आएगा। ये देखिए, लॉक को हटाया और बाहर की तरफ खींचते ही ये निकल आया, ठीक है ना। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है जो कि मैं टाइम के कारण अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा काम है। वो करने के बाद घर पे आके ये वीडियो को बनाना पड़ता है। जब भी हो आपको अगर वीडियो चाहिए जिस भी वीडियो में आपको इंटरेस्ट है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और ये देखिए, मैंने इसका जो डिस्प्ले केबल है इसको मैंने निकल लिया है और इसका देखो हालत कैसा है, बहुत ही गंदा हुआ है इसका। तो सबसे पहले तो हम उसको साफ करेंगे ब्लेड या चाकू से, आप इसको साफ कर सकते हो, नहीं तो इसको आप दोबारा इसको बना सकते हो उस कनेक्टर को। आगे एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो उस कनेक्टर को। फिलहाल ये क्लीन हो गया है, क्लीन करके हम इस कनेक्टर को लगा देंगे। ये देखिए, लगा दिया कनेक्टर को, अभी इसको चेक करने के टाइम है। तो चलिए इसको पावर देते हैं, पावर देके चेक करते हैं इसको। देखिए, पावर दे दिया मैंने, ऑन किया, अभी डिस्प्ले देखिए दोस्तों, डिस्प्ले हमारा आ गया है अभी। ये देखिए, डोर ओपन, तो डोर को क्लोज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको, हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो मैं दोनों पैनल को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी आगे बात करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो को आप पूरा वॉच करो तो आप जान पाओगे कैसे प्रिंटर को रिपेयर करना है। और मैं बहुत सारा वीडियो डालूँगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिले। तो अभी प्रिंटर को ऑफ किया और ये जो दोनों साइड का बैक पैनल है,
इसको मैं अभी फिट कर रहा हूँ। दोस्तों अब लोगों से मेरा एक ही विनती है, आप वीडियो को पूरा वॉच करो, और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। ये देखिए हमारा दोनों पैनल लग गया है, वी स्क्रू को लगाएंगे। दोबारा मैं फिर से प्रिंटर को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए प्रिंटर को ऑन किया मैंने, इनिशियलाइजिंग, प्रिंटर रेडी हो रहा है। प्रिंटर रेडी होते ही हम एक प्रिंट करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं। देखिए पेपर दिया मैंने, तो इसका कार्ट इसके इंक भी ख़त्म हो रहा है, इसको रिफिल करना है। तो इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप प्रिंटर के कार्ट इसको रिफिल कर सकते हो। ये देखिए हमारा प्रिंट निकल आया है अभी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू अगेन।